जैसा कि आप लोगों ने पहले भाग में देखा, दो बहनें होती है जिसमें से छोटी बहन का नाम प्रिया होता है। वो अपने दोस्त से मिलने के लिए किसी जंगल में जा रहती है। प्रिया को जंगल में डर लगते रहता है, फिर भी वो अपने दोस्त से मिलती है। वो लोग मिल के बातचीत करते हैं, लड़के का फ़ोन आता है, वो वहाँ से चले जाता है। इस बात से प्रिया बहुत गुस्सा हो जाती है। टाइम भी नहीं दिया और चले जाए, कल मिलेंगे ना। प्रिया को लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई उसे दौड़ा रहा है। वो भागती है जंगल में, भागती है, भागते भागते वो गिर जाती है और कुछ उसके ऊपर हावी हो जाता है। रात को जब वो सोते रहती है तो देखती है वो बहुत परेशान हो रही है, कोई उसको परेशान कर रहा है। फिर उसकी बहन उठती है, वो देखती है कि प्रिया कहाँ है, फिर देखती है कि वो ऊपर बैठी हुई है। प्रिया मेरा हाथ लो, जल्दी नीचे आओ, प्रिया मुझे डर लग रहा है, तुम जल्दी आओ। अब देखे आगे। प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मेरी प्रार्थना सुना और मेरी बहन को शांत किया। मुझे पास्टर साहब को बुलाना ही पड़ेगा क्योंकि मेरी बहन के अंदर में कोई दुष्ट आत्मा का साया है। सुबह होते ही मैं पास्टर साहब को कॉल करती। अभी तक के पास्टर साहब आए ही नहीं है, तब से मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। टाइम भी इतना हो गया है, पता नहीं रात में उसका हरकत देख करके मुझे इतनी घबराहट हो रही है, और कितनी देर लगाएंगे आने में, समझ ही नहीं आ रहा है कब तक के आएंगे। तो इतना देर हो गया है, खड़े खड़े मेरे पैर भी दुखे, अंदर जाके बैठती हूँ मैं। अरे लगता है आ गए होंगे। हाँ एक मिनट, आई। अरे पास्टर जी, आई आई आई, जय मसीह की, जय द लॉर्ड। आइए ना। हाँ मैं ठीक हूँ, बस मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रही हूँ। थोड़ा ट्रैफिक की वजह से मैं। आइए ना, बैठिए ना, मैं थोड़ा चाय पानी लेकर के आती हूँ, आप बैठिए। नहीं नहीं सिस्टर, रहने दीजिए। आप हड़बड़ा के मुझे फोन किए, और किस लिए आप मुझे इतना हड़बड़ी से फोन किए और बुलाए, वो बात मैं पहले जानना चाहूँगा। चाय पानी आप बाद में करते हैं, आइए आप पहले बैठिए। पास्टर साहब ये मेरी छोटी बहन है, ये अभी कल पता नहीं कहाँ गई थी, वहाँ से आने के बाद से मैं जो खाना बनाई थी आ करके पूरा खाना खा गई, मेरे लिए तक के नहीं छोड़ी है। और पता नहीं है रात से अजीब अजीब से हरकत करी जा रही है, कभी वहाँ चढ़ जाती है, कभी कमरे से गायब हो जाती है, कभी पलंग के नीचे आ जाती है। और रात में एक टाइम तो ऐसा हुआ कि मेरे छाती में चढ़ करके मेरा गला दबाने लग गई थी, और मेरे को इतना घबराहट, इतना डर लगा था कि मैं बस उस घबराहट में मैं क्या करूँ क्या नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे को ऐसा लग रहा है इसके अंदर कोई बुरा साया तो नहीं आ गया है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं घबराहट के मारे आपको फ़ोन करी हूँ और आपको इसलिए यहाँ बुलाई हूँ कि आप इसको देख लीजिए कि क्या करना है कैसे करना है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घबराहट के मारे मैं अभी घर से भी बाहर नहीं निकल पा रही हूँ उसको छोड़ करके। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, प्रभु सब ठीक करेगा। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इनके साथ हुआ क्या है, क्योंकि ये गए कहाँ थे और कहाँ से ऐसा शुरू हुआ, ये हमें बहुत जानना ज़रूरी है, और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसे समझना होगा। पहले क्या है, इन्हीं से जान लेते हैं। प्रिया सिस्टर, आप क्या हुआ आपके साथ, आप मुझे बताएंगे, क्योंकि आप, मैं देख रहा हूँ जब से मैं आया हूँ आप ना कुछ बोल रहे हैं, ना मेरे साथ जय मसीह की बोले, ना कुछ भी, आप मेरे तरफ देख भी नहीं रहे हैं। क्या क्या हुआ बहन, आप कुछ बताएंगे मुझे? मैं डरी हुई हूँ, इस वजह से मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ, मैं दीदी से भी बात नहीं की इसलिए आपसे भी बात नहीं कर रही। मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। मंत्रालय के पीछे नर्सरी में मैं अपने दोस्त से मिलने गई थी,
हम मिले, हमारे बीच बातचीत हुई, फिर थोड़ी देर बाद उनके में कॉल आया और वो चले गए। इस वजह से मैं गुस्सा हो गई। जिस रास्ते से मैं आ रही थी उस रास्ते में पेड़ के नीचे एक छोटा सा मटका पड़ा हुआ था। गुस्से में मैंने उसे पैर से मार दिया और उसके बाद वो फूट गया और उसमें से सफ़ेद सफ़ेद राख जैसा निकला। जब मैं आगे चल ही रही थी तब मुझे ऐसा लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है, तो मैंने भागने लगी। भागते भागते एक जगह गिर गई। फिर मैंने देखा एक काला साया मेरी तरफ आ रहा था और मुझ पे हावी हो गया और उसके बाद रात में मेरी नींद खुली घर पर। कोई बात नहीं बहन, आप चिंता मत करिए, प्रभु से सब ठीक कर देगा और इस बात को लेके हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु आपको जरूर ठीक करेगा। तो आइए हम इस समय प्रार्थना करें। फिर पास्टर साहब ने प्रार्थना किया और प्रार्थना करते वक्त प्रिया का अंदर का शैतान जाग उठा और वो क्रोध करने लगी और अजीब अजीब हरकतों से देखने लगी और यह सोचने लगी कि कहीं पास्टर को मेरे बारे में पता तो नहीं लग गया और उसकी बहन को और पास्टर को घूरने लगी और यह सोच के रखी कि अगर ये पास्टर कुछ बोलेगा मेरे बारे में तो मैं इसे मार दूंगी क्योंकि यह मेरा बदला है। आमीन। सिस्टर घबराने की कोई जरूरत नहीं है और प्रिया सिस्टर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपके लिए प्रार्थना किए हैं और प्रभु बहुत जल्दी आपको ठीक करेगा और आपको जो डर है वो डर से आपको बाहर निकालेगा। सिस्टर आइए, आपसे मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलिए पास्टर साहब, क्या बात हो गया? देखिए आपके जो सिस्टर है वो जहाँ तक मैं जानता हूँ और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ उनका मेंटली जो है वो डिस्टर्ब है और थोड़ा वो भ्रम का शिकार है जिस कारण उनको डर हो रहा है और वो अपने आप को मतलब कि अनप्रोटेक्ट महसूस कर रहे हैं। तो उसको घबराने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है और हम प्रार्थना लगातार करते रहेंगे। लेकिन हाँ एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, आप उनका थोड़ा ध्यान रखिए विशेष करके क्योंकि इस समय वो थोड़ा खतरा महसूस कर रहे हैं, तो आप उसका ध्यान रखिए और प्रभु जल्दी ठीक करेगा उनको, आप चिंता मत करिए। पास्टर साहब रात का जो उसका दृश्य देख करके ऐसा लग रहा है जैसे कोई शैतान उसके अंदर में आ गया हो, यकीन भी नहीं हो सकता मेरे को। आप बोल रहे हो कि मेंटली डिस्टर्ब है, चलिए आप बोल रहे हैं तो यकीन, फिर भी मेरे को बहुत डर लग रहा है। कोई बात नहीं बहन, आप चिंता मत करें, हम प्रार्थना तो कर रहे हैं और मैं फिर आऊँगा, प्रार्थना करेंगे और बाकी प्रभु के हाथ में है, देखते हैं प्रभु जितना जल्दी ठीक कर सकें। ठीक है बहन, मैं निकलता हूँ, फिर मिलते हैं। ये लड़की बहुत खतरे में है, इसको बहुत जल्दी यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा नहीं तो बहुत बड़ा मुसीबत आ सकता है। Thank you.
सपना था। मुझे प्रतन नरेश से बात करनी होगी। ये तो एक बहुत ही भयानक दुष्ट आत्मा है। किस कारण से ये दुष्ट आत्मा प्रिया को अपने वश में करके रखी है? क्या ये दुष्ट आत्मा प्रिया से निकल पाएगी? क्या पास्टर इस दुष्ट आत्मा को निकाल पाएगा? क्या उसकी बहन इन सभी तकलीफों से दूर हो पाएगी? जानने के लिए देखें हमारे अगले भाग में। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो मूवी में स्वागत करता हूं। और इसी प्रकार के गॉस्पल मूवी बनाने के लिए आप हमारा साथ दें। आपका छोटा सा दान राशि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हर महीना हमारे लाइव शो अकाउंट नंबर पे मात्र 100 रुपया सेंड करें, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप सभी का प्यार हम पर बना रहे, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।